हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शबीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। आज की वीडियो में आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, साथ ही इसके सिम्टम्स के बारे में आपको बताएंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। ज़बरदस्त आपका वैल्यू एडिशन करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स है उनकी प्रोग्रेसिव वीकनिंग होती है और स्केलेटल मसल्स डी फंक्शन होने लग जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, ये किस वजह से आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कॉजेस सबसे बड़ा ये होता है कि जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, जो जीन्स हमारे मसल्स के अंदर स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं और मसल फंक्शनिंग को देखते हैं, वैसे जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको देखने को मिलती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ मोबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, साथ ही अगर आपकी चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स इसमें इन्वॉल्व है तो आपको रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ की। दोस्तों, 5 तरीके की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है। पहली होती है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दूसरी होती है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तीसरी होती है मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, चौथी होती है फेशियो स्कैपलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और पाँचवीं होती है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर नहीं है, पर डॉक्टर्स इसके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं और पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं जिससे आपका जो प्रोग्रेशन है इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का उसको स्लो किया जा सके। साथ ही डॉक्टर्स आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में, जिससे पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सके। जैसे कि आपको स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, आपकी जो मोबिलिटी है उसको मेंटेन किया जाता है, पेशेंट को मोबाइल रख के उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है। साथ ही कुछ असिस्टिव डिवाइस आपको दे सकते हैं ताकि आपको जो डेली एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है वो करने में कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि व्हील चेयर हो गई, कुछ ब्रेसेस हो गए या असिस्टिव एड्स हो गए, जो आपको मोबिलिटी एड्स हो गए, जैसे आपको चलने में कोई दिक्कत है तो आपको स्टिक दे दिया, केन दे दिया या वॉकर दे दिया। तो इस तरीके से डॉक्टर्स आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमने एक डेडिकेटेड आर्टिकल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में लिख रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप डिटेल्ड में पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई है वो एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है और पेशेंट की कंडीशन की सीवियरिटी भी अलग अलग होती है, जिस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी कंडीशन के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड आपके अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।